मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। पति महोदय है वो थ्री पीस सूट और टाई लगा के जा रहे हैं और पत्नी उनकी सलवार सूट में जा रही है या साड़ी में जा रही है। साड़ी शुद्ध हिंदुस्तानी पहनावा है, थ्री पीस सूट और टाई अंग्रेजी पहनावा है। वहां इसलिए थ्री पीस सूट और टाई पहनते हैं कि ठंड बहुत है और ठंड है तो सर्दियों में नाक बहुत बहती रहती है। तो पहले वो बेचारे क्या करते थे, जेब से रूमाल निकाल के हमेशा पोंछते रहते थे। फिर उन्होंने सोचा एक टाई लटका के रखो, जब जरूरत पड़े तो पोंछ लेंगे, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ टाई लाई है। अब हमारे यहाँ मूर्खों के मूर्ख जून की गर्मी में 50 डिग्री तापमान हो तो थ्री पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के शादी करने जाते हैं। और मैं कहता हूँ भाई सुपर इडियट बनने के लिए यही एक दिन मिला है तुम्हें? तो कहते राजीव भाई आज तो करने दो, माने शादी के दिन ही इडियट बन के जाओ। और मुझे समझ में नहीं आता कि पति थ्री पीस सूट और टाई पहने और पत्नी साड़ी पहने। हम कहते हैं कि गृहस्थी के पहिए हैं पति और पत्नी, एक पहिया ट्रैक्टर का दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी गृहस्थी? या तो ये करिए कि यूरोप में सभी महिलाएं स्कर्ट्स पहनती हैं, तो आप चालू करिए। अगर थ्री पीस सूट और टाई का मैच है तो वो स्कर्ट के साथ है, साड़ी के साथ तो नहीं। तो हम तो स्कर्ट पहन नहीं सकते, फिर पतियों को क्यों पहनने देती आप थ्री पीस सूट और टाई? और अधम कोई नहीं, बच्चों को और नकल करवा रहे हैं। बेचारे 3-3 साल के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, खूब टाइट टाई उसकी बांध देते हैं। सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि टाई को अगर बांध दिया तो पीछे की जो नसें खून को लेके जाती है ना मस्तिष्क में, ये दबने लगती है, खून का प्रवाह रुकने लगता है। पर्याप्त मात्रा में खून बच्चे के दिमाग को ना मिले तो आंखें कमजोर होती हैं, दिमाग भी कमजोर होता है। इसलिए सब ऊंचे वैज्ञानिक और दुनिया के करोड़पति लोगों ने टाई वाई बंद कर दिया। हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही शुरू कर दिया। फिर हम बहाने बहुत बनाते हैं, अरे क्या करें जी उनके स्कूल में ड्रेस है, तो जाके लड़िए ना स्कूल वालों से। आप पैसा देते हैं, आपके पैसे से स्कूल चलता है, और वो मूर्खता करें और आप उनको समझा भी नहीं सकते कि हमको जरूरत नहीं है ये टाई और पैंट की और सूट की।